Neutrons can also be decomposed in these two parts, natural and forced parts. So natural response हमारे पास कब होगा? जब हम partial fraction expansion में सिर्फ उन roots की terms को देखेंगे जो कि characteristics roots की वजह से हैं, characteristics polynomial की वजह से हैं. और forced response हमारे पास सिर्फ उन partial fraction में उन जो सा वो terms की वजह से होगा जिनके जो roots हैं वो input transform के साथ associated है. In other words, हम कह सकते हैं कि जो complete response, जो partial fraction expansion है, उसमें कुछ जो हमारे पास partial fractions होंगी, those are due to characteristics roots, और remaining जो हमारे पास होंगे, वो force response होगा, and that is always due to input roots, input transform roots. So simply, अगर आप इसी problem के, for example, जो last अभी हमने problem देखी है, ये transfer function है, so transfer function में आप देख रहे हैं कि denominator is the characteristics polynomial. Characteristics roots हैं, so इसके दो pairs हम देखेंगे कि s square plus 6 s plus 8 के कौन से pairs बनते हैं, so और basically तो फिर ये हमारे पास characteristics roots बने, इसके s square plus 6 s plus 8 के roots हमारे पास minus 2 and minus 4 हैं, so minus 2 and minus 4 are the characteristics roots, so ये system की अपनी characteristics हैं, उसके अपने roots हैं, तो ये natural system का behavior होगा. So total response or r of t जो आंसर है वो 7 e raise power minus 3 t है और 7 e raise power minus 3 t r of s हमने देखा है कि r of s हमारे पास यहाँ पे आएगा 7 over s plus 3. So 7 over s plus 3 की भी term जो आंसर आएगी. So total response को जब हम partial fraction में expand करते हैं, last ही zero state component और zero input component से हम देखें, so इस सारी term को जब आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद एलसीएम लेंगे, तो जब आपके पास एक रैशनल फंक्शन बन गया, सो रैशनल फंक्शन की अब आगे जब आपने पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करनी है, सो वो ये बनेगी. सो दीज आर द पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ समेशन ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स. सो इन दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास फाइनल पार्शियल फ्रैक्शन ये बनेगी. सो इस पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन में देखें कि तीन पार्शियल फ्रैक्शन आ रही हैं. So in तीन partial fraction expansions में एक expansion जो सा वो दो expansions characteristics roots की वजह से हैं. So s plus 2 और s plus 4 basically characteristics polynomial के parts हैं. So ये दोनों partial fractions मिल के natural component कहलाएंगी और s plus 3 का जो factor है वो s plus 3 का factor जो सा वो input transform की वजह से है. So ये जो सी है वो ये जो partial fraction है ये due to input transform है और इसका रूट जो है वो इनपुट ट्रांसफॉर्म का रूट है माइनस थ्री. सो दिस विल बी कॉल्ड द फोर्स कंपोनेंट. सो सिस्टम की अपनी जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोज आर द नेचुरल कंपोनेंट्स और क्योंकि जो इनपुट फंक्शन है दैट इज द ड्राइविंग फंक्शन और फोर्सिंग फंक्शन, सो दैट्स वाई इसकी जो टर्म है उसको हम फोर्स्ड कॉम्पोनेंट कह रहे हैं. ये फोर्स्ड कॉम्पोनेंट होगा. सो अब आपने देखा कि जीरो स्टेट और जीरो इनपुट कॉम्पोनेंट्स आप जो सा वो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन से पहले ले रहे हैं और जब भी आप नेचुरल रिस्पांस और फोर्स रिस्पांस की बात करेंगे तो नेचुरल रिस्पांस एंड फोर्स रिस्पांस विल ऑलवेज बी रिगार्डेड इन पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन फॉर्म. सो फोर्स रिस्पांस और नेचुरल रिस्पांस निकालने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन जो है वो करनी जरूरी है. सो अगर आपको जीरो स्टेट रिस्पांस और जीरो इनपुट रिस्पांस चाहिए, इन अदर वर्ड्स कंप्लीट रिस्पांस चाहिए, सो तो आपको बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन से कंप्लीट लाप्लास लेके चलना है डेरिवेटिव का, जिसमें इनिशियल कंडीशंस भी इंक्लूडेड हों और इनपुट भी इंक्लूडेड होगी. सो देन एट दिस स्टेप आपको जो सा वो कंप्लीट रिस्पांस मिल जाएगा और जीरो स्टेट और जीरो इनपुट भी मिल जाएंगे. लेकिन फर्दर अगर आपको नेचुरल रिस्पांस और फोर्स्ड रिस्पांस भी चाहिए, सो देन सिंपली यू हैव टू गो वन स्टेप फर्दर. दैट स्टेप विल बी यू टेक you solve this complete expression, complete rational function into partial fraction expansion or natural response or forced response aapke paas hamesha phir partial fraction expansion niklegi. To partial fraction expansion hogi to usme aap phir natural or forced response ko define kar sakte hain. Natural response due to characteristics roots and forced response due to input transform roots.